नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानी चश्मा बाबा। और ये चैनल आपका कंप्लीट आईवी और आई केयर सॉल्यूशन है गाइस। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको अभी स्पेक्टेकल नहीं लगता है तो आफ्टर 40 तो लगने ही वाला है। सो वाई वेस्ट योर टाइम, तो अभी से सब्सक्राइब करके रखिए। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब चश्मा खरीदते हैं या चश्मा परचेज करते हैं तो एक चीज़ नोटिस करना हम भूल जाते हैं कि हमारा जो चश्मा है उसका मटेरियल क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस की लॉन्जिटिविटी या क्वालिटी ऑफ द चश्मा फ्रेम। ठीक है, जैसे मैंने ये फ्रेम डाला हुआ है, इसका मटेरियल के ऊपर सारा खेल है कि कौन सा मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ या कौन सा मटेरियल का चश्मा मैं परचेज करने वाला हूँ, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना दिन चलेगा, कितना दिन टिकेगा। ठीक है, तो आज हम क्वालिटी और मटेरियल कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कौन सा बेस्ट क्वालिटी का चश्मा है आपके लिए, वो हम जानने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, ये एपिसोड को पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तो कभी भी ऐसा चश्मा नहीं लीजिएगा वो जल्दी टूट जाए, राइट। सो गाइस, स्टार्टिंग विद प्लास्टिक फ्रेम। अभी बहुत सारा फैंसी फ्रेम हम देखते होंगे मार्केट पे, ठीक है। तो मैं एक सैम्पल आपको दिखा देता हूँ प्लास्टिक फ्रेम्स का। प्लास्टिक फ्रेम्स का इस कैसा होता है कि बहुत कम दाम पे जो फ्रेम्स आपका होता है, लाइक ये वाला, ठीक है, ये प्लास्टिक मटेरियल है गाइस। और मटेरियल अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये हार्ड होता है, ये जो पोजीशन होता है ना ग्लासेस का, ये मैं अगर डेमो लेंस निकाल कर देखूँ सो ये जल्दी मैं अगर इसको दबाऊँ तो बहुत हार्डनेस होता है, सॉफ्टनेस इस पर नहीं होता। तो ये प्लास्टिक मटेरियल होता है गाइस, इसका प्राइस बहुत कम है। जनरली अगर लाइफ की बात करें तो एक साल से भी कम इसका लाइफ होता है, और कभी कभी हाँ मेंटेन आप कीजिएगा तो 1.5-2 साल भी ये चलता है। लेकिन इसका मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि वियर एंड टियर बहुत जल्दी होता है, और अगर इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट हो तो ये इजीली क्रैक कर जाता है ये सारा ग्लास। तो ये प्लास्टिक लेंसेज, प्लास्टिक फ्रेम्स है गाइस। तो प्लास्टिक फ्रेम्स का लाइफ सबसे कम होता है, ये आप जान लीजिए, और इसका मटेरियल उतना अच्छा नहीं होता। उससे ऊपर गाइस अभी जो मटेरियल आ रहा है उसको हम बोलते हैं टीआर, राइट, टीआर 90 का फ्रेम, जो सुपर फ्लेक्स या सुपर फ्लेक्सिबल आई ग्लासेस आप देखते हैं, ये इससे ऊपर आता है। तो इस पर क्या है, अगर मैं सेम डेमो लेंसेस को निकाल के देखूँ तो देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये इजिली प्रेस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सॉफ्टनेस है, तो जितना सॉफ्टनेस होता है मटेरियल में गाइस वो उतना ज़्यादा टिकता है। तो इसका, ये भी प्लास्टिक का ही बना हुआ है, लेकिन ये प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक का जो मटेरियल है गाइस इसमें थोड़ा सॉफ्टनेस है तो ये ज़्यादा टिकता है प्लास्टिक फ्रेम्स के कंपैरिजन में। इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होता है और टिकता भी है। एडवांटेज ये होता है गाइस प्लास्टिक फ्रेम का, टीआर फ्रेम का, प्लास्टिक फ्रेम और टीआर फ्रेम बहुत लाइट वेट होता है। और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि टीआर प्लास्टिक से भी ज़्यादा लाइट वेट होता है, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा आई ग्लासेस चाहिए कि आप रफ रिजिड यूज़ करें, और ठीक है लाइफ से आपको ज़्यादा मसला नहीं, आपको पता है कि पावर चेंज हो जाना है फिर तो मेरे को अपना स्पेक्टेकल बदलना ही पड़ेगा, 1.5 साल या 1 साल ही मैं यूज़ करूँगा या मैक्स टू मैक्स 2 साल यूज़ करूँगा, यू कैन गो फॉर टीआर मटेरियल जो हल्का होगा, लाइट वेट होगा, आपको कम्फर्ट देगा, क्योंकि वेट तो एकदम ही हल्का होता है, ज़ीरो वेट आप बोल सकते हैं, बहुत ही कुछ मिलीग्राम्स इसका वेट होता है। तो ये बहुत कंफर्टेबल आई ग्लासेस होते हैं गाइस, इसमें दो राह नहीं है कोई। लेकिन चीज़ ये है, मसला ये है कि आप अगर चाहेंगे कि सारा आई ग्लासेस आपको 3-4 साल सर्विस दे, और ज़्यादा आपका होता है ना कि अगर पसंदीदा आई ग्लासेस ये टूटना नहीं चाहिए, वे ये तो मेरे को लाइक जम गया है मेरे हाइस पे और मेरे को बहुत प्यारा है ये पर्टिकुलर फ्रेम। सो इन सच केसेस गाइस यू हैव टू गो फॉर एक्टेड फ्रेम, सेलुलोइस एसीटेट, ठीक है। बहुत लोग एक्टेट बोलते हैं बट प्रोनाउंसिएशन इज सेलुलोइस एसीटेट। एसीटेट फ्रेम्स क्या होता है गाइस, ये एंटी एलर्जिक मटेरियल होता है, और उसका जो बिल्ड क्वालिटी होता है गाइस, जितना भी टॉप ब्रांड्स होता है सारे एसीटेट पे ही बनाते हैं। तो मैं एक सैम्पल आपको दिखा देता हूँ, और कैसे एसीटेट फ्रेम्स को आपको आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसके ऊपर पूरा सीरीज बनाऊंगा, जो ऑप्टिशियन भाई बहन है मेरे वो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, और मेरे MBA चश्मा वाला चैनल जिसमें बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ आप उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन टॉकिंग अबाउट एसीटेट मटेरियल गाइस ये होता है, प्लास्टिक का बना नहीं होता, एंटी एलर्जी के वुडन जो पेड़ का छाल वगैरह है वो मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है। और देखिए अगर आप उसका टेम्पल देखेंगे, टेम्पल के भीतर मैं जूम करके दिखाता हूँ, इस पर एक ना कॉपर वायर है, वायर के ऊपर फिर इसको मोल्ड किया गया है, जो भी मटेरियल एसीटेट मटेरियल इसको यूज़ किया गया है, तो वो वायर के ऊपर से इस मटेरियल को
डाला गया है, तो इससे इसकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इसका टेम्पल, टेम्पल के पास जो ये होता है आपका नोज पैड, नोज पैड, ठीक है, ये नोज पैड देखिए मोल्डेड है, ये अलग कलर का ही आपको मिलेगा। सपोज कीजिए ये फ्रेम है जिस कलर का, देखिए, और इसका नोज पैड आप देखिए, देखिए ये जो कुशन वाला एरिया है, तो कुशन वाले एरिया को अलग से लगाया जाता है, इसको पुश करके इस पर अलग से फिट कर दिया जाता है, उसको फिर यू नो विथ मशीन्स एंड ऑल उसको सेट कर दिया जाता है। तो ये जो नोज रेस्टिंग का जो एरिया है वो आपको अलग कलर का मिलेगा। सो ये दिस इज एसिडिक मटेरियल, और इसका एक फील, इसका जो बिल्ड क्वालिटी हाथ पे लेके आप समझेंगे कि फ्रेम में जान है, फ्रेम बहुत मजबूत है, और ये मजबूत काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है गाइस, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, ये आप फील कर पाएंगे इस फ्रेम को हाथ में लेके। हाँ, डिसएडवांटेज मैं एक चीज़ बोलूँगा एसीटेट फ्रेम्स का, ये आप याद रखिए कि ये थोड़ा वेट होता है इसका, टीआर और प्लास्टिक फ्रेम्स के कंपैरिजन पे अगर बात करें तो इसका जो वेट होता है वो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। एज आई सेड कि एक अंदर एक आपको वायर मिलेगा मेटल का, और मेटल के वायर के ऊपर इसको मोल्ड, मेटल के वायर के ऊपर से जो मटेरियल यूज़ किया गया है उस पर फिर फिनिशिंग दिया जाता है। और ये है एसीटेट फ्रेम से, तीन टाइप का कैटेगरी आप समझ लीजिए, एक प्लास्टिक उससे ऊपर आ गया, टीयर और एक एसीटेट। तो एसीटेट फ्रेम्स आप ज़रूर ले, एक आपके पास रहना ही चाहिए, कि जो बोलते हैं ना कि इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन स्पेक्स तो भाई टूटे फूटे ना, अगर धक्का वक्का लग जाए, इम्पैक्ट हो जाए, तो जल्दी वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द मटेरियल यू शुड चूज, जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं वो सारे एसीटेट मटेरियल्स के ऊपर ही बनाते हैं। एंड आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, आप सिंपली जाइए अपना उस रेस्टिंग एरिया देखिए, तो उस पर आपको अलग सा ही कलर मिलेगा, क्योंकि वो मोल्डेड है, मोल्ड करके उसको फिर अलग से फिक्स किया जाता है, और उसको फिर फिट एंड फिनिश किया जाता है फ्रेम में। सो दीज आर थ्री मटेरियल्स, के अलावा भी एक और मटेरियल होता है गाइस, मेटल के फ्रेम्स। सो मेटल के फ्रेम्स का भी लाइफ 2 साल के आसपास होता है, उसके बाद या तो कलर उसका फेड हो जाए, या मेटल का क्वालिटी अगर अच्छा ना हो तो वो क्रैक कर जाता है रस्ट खाते खाते। लेकिन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल अगर मेरे को बोला जाए तो एसीटेट और प्लास्टिक मटेरियल अगर मेरे को बोला जाए तो, हाँ फैंसी होते हैं, डिज़ाइन इनका अच्छा होता है, क्योंकि ये फीमेल एक फ्रेम मैं अपने फैन के दिखा रहा हूँ, प्रिंटेड है, तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा है। हाँ, आप ले सकते हैं, लेकिन बैकअप के लिए आपको एक एसीटेट फ्रेम आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, जिसको आप रेगुलर यूज़ करें, रफ यूज़ करें, रिजिड यूज़ करें, फाड़ के यूज़ करें। साथ में आप फैशन के लिए एक दो चश्मा प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, बिकॉज एज आई सेड इट्स नॉट रिलायबल। सो ये इन्फॉर्मेशन देना था, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया, शेयर कीजिएगा हर उस फ्रेंड के साथ जो आई ग्लासेस पहनना पसंद करते हैं, आई ग्लासेस यूज़ करता है, जिनको पावर का ग्लासेस लगा हो, या फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा गाइस, ताकि जल्द से जल्द हम भी 100K पूरा कर पाए, 25K तो हम लोगों ने पूरा कर दिया। एंड दिस माय न्यू स्टोर, देखिए मैंने ऊपर ब्रांडिंग भी करके लिखा हुआ है पैन इंडिया ऑर्डर्स एंड डिलीवरी, यूट्यूब ज्ञानी चश्मा बाबा, 25K सेलिब्रेशन। तो ये मेरा नया स्टोर बना हुआ है गाइस, और आपको भी अगर आई ग्लासेस, लेंसेज, स्पेक्टेकल्स या किसी भी तरह का ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट हो, सिर्फ लेंसेज चाहिए, जीके भी ब्रांड्स को चाहिए, सिल्वर के चाहिए, किसी भी ब्रांड्स के आप, या फिर आपको कंप्लीट स्पेक्टेकल्स बनाने, सिर्फ लेंसेज ऑर्डर करने, तो सारा प्रोडक्ट यहाँ से भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, पैन इंडिया डिलीवरी है गाइस, COD ऑप्शंस भी है। सो ज्ञानी चश्मा बाबा आज के एपिसोड में इतना ही था, मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आँखों का बेहतर ख्याल रखिए गाइस, बाय।